तुम्हारे अंदर इतना सैनिटाइजर ठोकूंगा कि शरीर में कभी अल्कोहल की कमी नहीं होगी। ये मिस्टर इंडिया का वादा है, इसे कहते हैं झकास। ये डायलॉग आपका बनाया है, किसी मूवी का है? ये मोदी जी का डायलॉग। आपका नाम? हर्षा ओझा। आज क्या संदेश देना चाहते हो आप? जोर से जिला अधिकारी पूछे हुए कोरोना के ऊपर माननीय मोदी जी की जो कोरोना के उपाय बताए हैं वो बताने जा रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देश के सभी नागरिकों के लिए वो सारी बातें मैं दोहरा रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि आप भी याद रखिए और हर स्कूल में कॉलेज में सब जगह पर से बताइए। देखिए क्या करना है। पहला, एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा, हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए, बराबर सफाई करनी चाहिए। अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को बार बार छूने की हमारी जो आदत है, अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा। जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धुले हुए हाथों से ही अपने मुंह को टच करना चाहिए। जानकारों का कहना ये है कि ये खांसते या छींकते समय जो छींटे निकलते हैं, सांस के साथ छोटे 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 बिंदु निकलते, दिखते भी नहीं, उसमें जो भी संपर्क में आता है उसे ये फैलता है। ऐसे में जिस भी चीज़ पर ये छींटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रहता है। इसलिए हमें बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। एक और बात हमें ज़रूरी याद रखनी है, अगर हमें खांसी या छींक आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसकी छींटे न पड़ें और जो कपड़ा या रुमाल हमने छींकने के समय इस्तेमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिना मास्क लगाए घर से न निकलें, जितना हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अच्छा मुझे आप ये चीज बताओ, आप इतने उम्र कितनी होगी आपकी? 9 साल। तो ये मतलब इस तरह का आप पे आइडिया कहाँ से आया, मतलब कोरोना को संदेश देने के लिए? मैं माननीय मोदी जी की स्पीच देखता था, इससे मुझे आइडिया है कि मैं भी कुछ करूं मोदी जी जैसा। तो फिर आपने सीखी, फिर बनाई। अच्छा, काफी 9 साल में ये काम किया, तो और मतलब जो आपकी उम्रों के हैं उनको ये क्या संदेश देना चाहेंगे? कि वो भी ऐसी ऐसी चीजें करें और ऐसे ही वीडियोस बनाएं, मतलब लोगों को जागरूक करें कोरोना के लिए। लोगों के लिए।